अरे दुकानदार। हाँ भाई। भाई एक रस्सा दे दे। हाँ भाई, रस्से का क्या करेगा? फांसी खाना तने के मतलब है? रस्सा होते दे दे ना, रान दे ना भाई ना, मेरे तेरे को ना रस्सा नहीं सह ना। कोई बात ना, न्यू करे एक किलो गुड़ दे दे। क्यों दिमाग चट्टे से भाई, क्या करेगा गुड़ का? खाऊंगा, कब्जी हो रही से, पेट साफ करूंगा, बोल। अरे इतने गुड़ की दुकान दिखे से, तू जा दिमाग खराब ना करे। अच्छा एक काम करते है, 4 मीटर कपड़ा दे दे लट्ठे का। अरे भाई तू कपड़े का क्या करेगा? कफन बनाऊंगा, बोल। तने के मतलब से इस बात पे, तेरे दौरा होते दे दे ना तो नाट जा। अरे भाई ये तस्वीर की दुकान से, अरे तस्वीर मिले से तस्वीर, और कोई सौदा ना मिलता जा आगे ना होले कितोर ते ले लिए। फिर न्यू बोले, खामगा तने मेरा इतना कीमती समय बर्बाद कर दिया, कह दे मेरे दौरा कोन्या, आगे जाग ले आऊंगा कि तेरी ये दुकान न्यारी से। ले बोल टका देना गज पड़ाना कि मैं ले नहीं रहा और भीड़ इतनी ला रहा हाड़े। अच्छे बेकूफ तो बड़ा पड़े भाई, सवेरे सवेरे सामी दी खला ने तस्वीरें की दुकान से, कदे गुड़ मांगे से, कदे लट्ठा मांगे से, जा आगे ना ले कि तेरे तो ले लिए। हैं ये इस दुकान के सामने इतनी भीड़ क्यों है, जरा चलकर तो देखूं। अरे दुकानदार इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या बात है? यह भीड़ इस तस्वीर को देखने के लिए लगी है भाई जी। वाह सुंदर, अति सुंदर। अरे तस्वीर वाली कौन है ये, किसकी तस्वीर है ये? यह तस्वीर राजा नारायण सिंह की बेटी राजकुमारी चंद्रकन की से, वह कंचनपुर की रहने वाली है। अरे इन तक कुंवारी है। यह तस्वीर तो वाकई खूबसूरत है, यह तस्वीर मुझे दे दे दुकानदार। नहीं नहीं यह तस्वीर बिकाऊ नहीं है, यह तो केवल देखने के लिए है, इसको देखकर ही तो ग्राहक मेरे पास आते हैं और मेरी बिक्री होती है। दुकानदार मैं इस तस्वीर की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, मुझे यह तस्वीर चाहिए। श्रीमान जी इस तस्वीर के बिना तो मेरा काम धंधा ही ठप हो जाएगा। मैं तुम्हें मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूँ। श्रीमान जी आप भी मेरे पक्ष क्यों पड़ गए? सोचो आप इस घोड़े पर सवार होकर कितनी दूर आए हो, और जब मैं आपसे यह घोड़ा मांग लू तो आप कितने परेशान हो गए, क्या आप मुझे यह घोड़ा दे दोगे? अरे मेरी तरह दिल से मांग, मैं तुम्हें इस तस्वीर के लिए घोड़ा भी दे दूंगा, जिसके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता दुकानदार। इस तस्वीर के बदले में घोड़ा दे देगा? क्यों ना मैं इससे घोड़ा मांग लूं, यो घोड़ा देगा नहीं और मेरा पीछा छूट जाएगा। ठीक है श्रीमान जी, यो घोड़ा आप मुझे दे दो और तस्वीर ले लो। ये लो सौदागर, पकड़ घोड़ा और दे तस्वीर। ये लो तस्वीर। मैंने अपने सबसे प्यारे घोड़े को तुझे दिया। मैंने भी तो। ठीक है दुकानदार, अब हम चलते हैं, घोड़े का जरा ध्यान रखना। आज तक कितनी तस्वीरें देखी, ये तस्वीर इतनी सुंदर है तो वो खुद क्या होगी, गजब की तस्वीर है। मद जबन की भरी भराई देखी ना कदेसी लुगाई, मद जबन की भरी भराई देखी ना कदेसी लुगाई। उस दिन होगी मन की चाही जिस दिन या मन हूर मिले, मद जोबन की भरी भराई देखी ना कदेसी लुगाई। बैठू हंस के कदरों रो के
काटू जिसे मैं आया बो के बैठू हंस के कद रो रो के काटू जिसे मैं आया बो के तो के छोड़ू दिन दस के माँ प्रेम भरा मेरी नस नस के माँ दोनों की लड़ लड़ के ने आपस में ये घूर मिले फेटेगी तके घलेगी घाट ला दूंगा सब तरिया के घाट फेटेगी तके घलेगी घाट ला दूंगा सब तरिया के घाट रोज बाट मन चलना होगा फूल कमल सा खिलना होगा मेरे कर्म में मिलना होगा ते गोरी जरूर मिले आज मने रंज हो लिया भारा ओ परिवार छोड़ना सारा आज मने रंज हो लिया भारा ओ परिवार छोड़ना सारा किसका मारा मारा फिरूंगा पता नहीं जीऊंगा मरूंगा इसके दर्शन जरूर करूंगा चाहे कितनी दूर मिले लक्ष्मी चंद से खटक गात में डोरी हो से हरि के हाथ में लक्ष्मी चंद से खटक गात में डोरी हो से हरि के हाथ में और बात में ध्यान नहीं से इस जैसी कोई जुबान नहीं से पूरा ते कम शान नहीं से नूर में यो नूर मिले मत जो बन की भरी भराई देखी ना कदे सी लुगाई उस दिन होगी मन की चाही जिस दिन या मन हूर मिले मत जो बन की भरी भराई देखी ना कदे सी लुगाई कारीगर तन घड़ देई अजब निराली शान बेराना के हाल हो फोटू में बसे प्राण क्या बात है महाराज ना अब तक खाना खाया है ना बात करते हो यूं ही गुमसुम मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आखिर आपको हुआ क्या है कभी लेटते हो कभी बैठते हो कुछ तो बोलो महाराज बस लंबी सांसें भरते हो इतने बेचैन क्यों हो महाराज कुछ तो बताओ मुझे अकेला छोड़ दो रानी ये क्या ये तस्वीर किसकी है ये तस्वीर नहीं रानी ये मेरे दिल की धड़कन है हैं ये तस्वीर आपके दिल की धड़कन ऐसा क्या है इसमें जिसने आपके होठों की हंसी छीन ली है राजकाज से ध्यान हटा दिया है यहाँ तक कि मेरी तरफ अपनी पत्नी की तरफ एक बार भी प्यार की नजर से नहीं देखते हो महाराज तुम क्या हो इसके सामने देखो इस तस्वीर को ध्यान से क्या रूप है क्या यौवन है एकदम परी है परी इसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है रानी इसे मेरी नजरों से दूर कर लो महाराज
आप किस चक्कर में पड़ गए हो? क्यों अपना सुख चैन खो रहे हो? इस तस्वीर में आप क्या ढूंढ रहे हो महाराज? मैं आपकी पत्नी आपके सामने हूँ। ये तस्वीर तो केवल तस्वीर है, महज एक धोखा है महाराज। असल तो मैं हूँ। इसे छोड़ो और मुझसे बात करो। ध्यान ठिकाने करो महाराज, कहाँ खो गए हो? रानी, इस तस्वीर को देखकर मैं दीवाना हो गया। जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी? ये सुंदरी एक तरफ और सारा संसार एक तरफ। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा रानी, हासिल करके ही रहूंगा। और ढाल की शक्ल हुई ना पहले आला ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख के अकल होगी भंग पिया। और ढाल की शक्ल हुई ना पहले आला ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख के अकल होगी भंग पिया। की तबीयत खाटी हुई के ना, मुनि उदल के बस मासुर के गोड़ा लती हुई के ना, विष्णु का मन मोह गया उनकी रे रे माटी हुई के ना। गैर वीर उर गैर मर्द का गैर वीर उर गैर मर्द का अच्छा ना सत्संग तस्वीर देख के अकल होगी भंग पिया। खान पीने ओढ़न पहन तक हाले
खाने पीने ओढ़ने पहरन तक हो जागा तू तंग पिया बगच की तस्वीर देख के अकल होगी भंग पिया चंद मेरी एक न सुनता है लक्ष्मी चंद मेरी एक न सुनता क्यों हो गया कति नंग पिया कागज की तस्वीर देख के अकल होगी भंग पिया। बस तुम्हें ज्यादा ज्ञान का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं राजा हूँ, जो चाहूंगा करूंगा, मेरे रास्ते में अड़ने की कोशिश मत कर, समझी रानी? महाराज आपको इसके चक्कर ने घेर लिया है, इस घेरे से निकलना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आप बहुत अच्छे राजा हैं, आपका काम काज करने का ढंग बहुत अच्छा है, एक अच्छे राजा को इश्क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए महाराज। ज्यादा बात मत मिलाओ रानी, मेरे मन में आएगा जो मैं करूँगा, तेरी बातों में मैं नहीं घेरने वाला। कभी तुम ये सोचती हो कि बातों में घेर कर उस तस्वीर वाली सुंदरी से मोह भंग करवा दोगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा रानी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। महाराज मुझ में क्या कमी है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा आप पर कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती महाराज? ये सुबकना बंद करो, मैं राजा हूँ, भलाई बुराई को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे और अधिक नसीहत मत दो, मैं तुम्हारी दाब में नहीं रहता, समझी रानी? महाराज मुझे बताओ आखिर ये चुड़ैल है कौन? इसे चुड़ैल मत कहो रानी, यह कंचनपुर के राजा नारायण सिंह की बेटी चंद्र किरण है, जिसे आज तक कोई भी पसंद नहीं आया, यह अब तक कुंवारी है, अंगूर का गुच्छा है गुच्छा, और तू तो इसके सामने खट्टा बेर है खट्टा बेर। जब ये मुझे खट्टा बेर बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है अक मानेंगे नहीं, एक कोशिश और करके देखती हूँ। महाराज मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, ऐसी बातें कहकर मुझे मत जलाओ, मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ महाराज, पराए बीर के चक्कर को छोड़ दे, आपकी पत्नी के सामने वो कुछ भी नहीं है, महज एक धोखा है महाराज। अपनी जबान को लगाम दे, अपने आप को तू विश्व की सबसे सुंदरी औरत समझती है क्या? अब मैं कुएं में पड़ूं या झेरे में लिकड़ूं तुझे इससे कोई मतलब नहीं, और मैं चंद्रकरण को लाकर ही रहूंगा। कहां ढूंढोगे महाराज, कहां कहां भूखे प्यासे भटकोगे, क्या आपकी टहल में कोई कमी रह गई है जो इतनी जिद कर रहे हो? मुझे आपकी बहुत चिंता है महाराज। ओ मेरे जिगर की चिंता रानी, तन्ने नहीं जानी, हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहे की रानी, मेरे जगर की चिंता रानी, तन्ने नहीं जाई, हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहे की रानी।
लिया बैठा ना जा रानी जनता होती सनर के कहते मन की पूरी हो जाना बंडा छूटे मरी के दंड किरण मैं तो लूंगा उसी कंचनपुर में फिर के बोटू आड़ी मन में बसगी आगे लगो इस घर के उसके दर्शन कर कहने मैं उसके दर्शन कर कहने मैं पीऊ सीड़ा पानी हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहे की रानी आँख कटली प्यारी मथे ऊपर बिंदी चमटे मुखड़े की छवि न्यारी दे माता ने इसी लगाई और कोई ना ताई कंचनपुर में टोलूंगा मन करी चलन की तैयारी राजपाटियों पड़ो झेरे में वो जा कुण बाघाणी हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहेगी रानी लखमी चंद कह जागा गोरी लखमी चंद कह जागा लागी मेरे उचटी तन में चंद किरण तै फेटूंगा चाहे मिलियो कितने दिन में तुए बिना मैं कभी न मानू खेरू पड़ियो रबण में चोटक सुती लागी फोटू आड़ी बसगी मन में उसके लाड लड़ाऊंगा मैं उसके लाड लड़ाऊंगा मन तेरे त हुई गलाईनी हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहे की रानी मेरे जगर की चिंता रानी तन्ने नहीं जानी हरगिज बिना मानूंगा मैं तेरे कहे की रानी जा तू वीर से ना रोकने का दस्तूर तेरे डाटे तो डटू ना मैं जाऊंगा नार जरूर ठीक है महाराज आप अपनी जिद पे अड़ रहे हो आप सब कुछ ठुकरा कर जा रहे हो तो जाओ हाँ कभी वक्त पड़े तो मुझे याद कर लेना मैं जरूर आपके काम आऊंगी महाराज राजपाट सब तज दिया कर एक ठिकाने ध्यान तेरी जरूरत ना मनने फोटू में बसे प्राण रानी इश्क नशे में मदन सैन चले कंचनपुर की ओर चलते गए कहीं मिला ना ठोर कहीं मिला ना ठोर दिया दिखाई बाबा का धुना एक बाबा बैठा धुने पर बाकी चारों ओर था सुना थक गया राजा बुरी तरह चेहरा हुआ उदास भूखा प्यासा पहुंच गया बाबा जी के पास हे साधु महात्मा प्रणाम 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 हे साधु महात्मा मैं बहुत थका हुआ हूं तो फिर लेट जा आराम कर ले मुझे जोल की प्यास लगी है फिर पानी पी ले मुझे भूख भी लगी है महाराज रोटी साथ ले आया उनता
आड़े के मैं घर से पीपे में चून पा जाएगा अकाटे रोटी पौन वाली से जो तने पो का खवा देगी भूखा सू तेसाया सू थक रहा सू कोई बात हुई तेरे जी से आड़े बहुत आवे से कितना लाऊंगा मैं परोठे। हे साधु महात्मा, आपके होते हुए भंडारे की क्या कमी है? आप खाना जरूर खिलाएंगे क्योंकि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं तो बहुत सज्जन आदमी हूं। ठीक है, ये ले चने ले और इन्हें खा ले, ऊपर से पानी पीकर आराम कर ले। देखा महात्मा जी, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब मैं चने खाकर पानी पीकर आराम करता हूं और फिर आगे चलूंगा। रानी नागदी ठीक कह रही थी, कहां कहां भूखे प्यासे भटकोगी। खैर कोई बात नहीं, मैं भी अक्षत्रिय हूं, चंद्रकिरण को लाकर ही दम लूंगा, चाहे कितना ही कष्ट क्यों न झेलना पड़े। मगर मैं उसके पास पहुंचूंगा कैसे, कौन जाने देगा मुझे। चंद्रकिरण तक पहुंचना, हाँ एक तरकीब है, साधु महात्माओं का सब सम्मान करते हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं, उन्हें कोई नहीं टोकता। क्यों ना मैं साधु बन जाऊं, फिर चंद्रकिरण से मिलने में भी बहुत आसानी होगी। हाँ यही ठीक है, मैं महात्मा जी से विनती करता हूं। हे साधु महात्मा। बोल के बात से। मुझे अपना चेला बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी शरण में रख लो महात्मा जी। अरे छोड़ बंदे इस लफड़े ने, साधु बनना इतना आसान नहीं से, कान पड़ाने पड़े से। कान पड़ाने पड़ेंगे, बहुत दर्द होता होगा। खैर कोई बात नहीं, कान पाड़ दो महात्मा, मेरे मर्द से कानों का दर्द ज्यादा नहीं है। अरे मने बहुत घने चेले बनाए से, सारे के सारे ऊत आए से, कोई मेरा कमंडल ठा ले गया, कोई चटाई ठा ले गया, कोई कुछ ठा ले गया, कोई कुछ ठा ले गया। मैं उनमें से नहीं हूं साधु महात्मा। अरे आते हैं सारे नुआ कम ऐसे, तन्ने 10 दिन पहले मुझे बताऊं, एक चेली बनाई थी जिसका नाम था कृपा, और एक चेला जिसका नाम था दया, और दया का और कृपा का आपस में मन फया, और दया कृपा ने लेकर गया, यो बाबा आड़े एकला रहा। तो भगत आड़े जो आवे से कुछ ना कुछ लेकर बाज जावे से, इस मारे तू एडिया का तेल ला और रिपट जाड़े थे। नहीं महात्मा जी, आप यकीन करो, मैं उनमें से नहीं हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी तृष्णा पूरी कर दो, मैं आपकी सेवा पानी करता रहूंगा, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। मैं समझ गया तेरी बात न, किस कारण बने फकीर थरे, किस फटक का मारा फेरे, किस फटक का मारा। समझ गया तेरी बात न, किस कारण बने फकीर थरे, किस खटक का मारा फेरे, किस खटक का मारा। छुट गया सुख तेरे में, कुछ भी कोना दुख बता तेरा, जिस तरह छुट गया सुख सुख तेरे आसे दुख गात ने, तने डोब गई कोई वीर यू ए, और मतलब से सारा यू ए भाई, मतलब से सारा। मैं समझ गया तेरी बात ने, किस कारण बड़े फकीर फेरे, किस खटक का मारा फेरे, किस खटक का मारा।
ਰਹਿਣਾ ਫਿਰੈ ਰੋਵੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਵੈ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰੈ ਰੋਵੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਵੈ ਕਿਉਂ ਖੋਵੈ ਜਾਤ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰਹਿਆ ਖਾਲੀ ਪੀਟ ਲਕੀਰ ਲਿਕੜ ਗਿਆ ਸਾਪ ਥਾ ਵਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਫਕੀਰ ਫਿਰੈ ਕਿਸ ਖੱਟ ਕੱਟਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰੈ ਕਿਸ ਖੱਟ ਕੱਟਾ ਮਾਰਾ ਛੋਡ ਲਾਡ ਦਿਆ ਤੇਰਾ ਧੂਣੇ ਪੈਰ ਗਾਡ ਦਿਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਛੋਡ ਲਾਡ ਦਿਆ ਔਰ ਕਾਡ ਦਿਆ ਪਿਤਾ ਮਾਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੂਟ ਗਈ ਤਕਦੀਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਕੁਣ ਬੇਤਾ ਨਾਰਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਕੁਣ ਬੇਤਾ ਨਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਖੱਟ ਕੱਟਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਪੁਆੜਾ ਕੋਡਰਾ ਤੂੰ ਕੇ ਕਰ ਲੇ ਮੇਰੀ ਓੜ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਪੁਆੜਾ ਕੋਡਰਾ ਤੂੰ ਕੇ ਕਰ ਲੇ ਮੇਰੀ ਓੜ ਮਤ ਛੋੜ ਕੁਟਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇ ਜਾ ਦਰ ਆਪਣੀ ਦਰਦੀਰ ਨਾ ਤਰੋਵੈ ਯੂ ਕੁਣ ਬਾਥਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਫਕੀਰ ਫਿਰੈ ਕਿਸ ਖਟਕ ਕਾ ਮਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਫਕੀਰ ਫਿਰੈ ਕਿਸ ਖਟਕ ਕਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰੈ ਕਿਸ ਖਟਕ ਕਾ ਮਾਰਾ ਆਪਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ तीन दिन तक भूखा प्यासा रहा मुझे यहाँ आकर बड़ा चैन मिला आप तो अंतर्यामी हैं साधु महात्मा सब जानते हैं अब मैं यहाँ से आपका चेला बनकर ही जाऊँगा ये मेरा आखिरी फैसला है लाल छुपाया कोने छुपता बेशक गार्ड दिए कूने में कहते हैं मेरे कान पाड़ ले ना जड़ कर मर जा धुने में तो तू नहीं मानेगा इतना सुथरा छेल जवान मैं तने चेला नहीं बनाना चाहूं था पर तू जिद करे से ते आजा बाबा का केला गए भाई किल के मारेगा तू मारेगा ले ओले त्यार बाबा बहुत दर्द हो है बन गई बात बस यो कान और रह गया एक कम साथ ले बाबा या है तो बात से लो पकड़ो डट जा इब्बत न कुंडल भी पिराऊंगा झोली चिमटा भी दूंगा जिम मेरा सही चेला बनेगा इब्बकड़ा पराऊंगा बाबा कच्चा गा इब्बत हो ले इस मोर कर ले तगा देते हैं ले बस 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 हो गया काम बहुत दर्द हो रहा है महात्मा जी इस पर नहीं कर दने आए लव लवान कर दिया कर ले आराम ठीक है गुरु जी गुरु जी आपने कुंडल भी डाल दिए ये बाणा झोली चिमटा भी दे दिया अब मुझे आशीर्वाद दो जा बच्चा कितने खाइए कमाइए पर इस बाणे का बट्टा ना लाइए अच्छा गुरुजी प्रणाम गुरुजी आयुष्मान भव दीन ते बेदीन होया और घर ते बेघर हो लिया भाई भगवान पे भरोसा करके कंचनपुर की सुरती लाई
सुनेरी बहने आल कंचनपुर की रहने आल चंद किरण जी का नाम से की जनले की लहने आल पूरे सुनेरी गहने आल कंचनपुर के रहने आल चंद किरण जी का नाम से की जनले की लहने आली चल जा बाजत फूल कमल सा खिल जा सुखी नंदरा सोऊंगा जे नहीं मिली तै जिंदगी खोऊंगा दोहूंगा जे काबू चल जा बाजत फूल कमल सा खिल जा मिलते ही सारा दुख टल जा गंगा कैसा धाम से कंचनपुर की रहने आल चंद किरण जी का नाम से जनले की लहने आली जमका लगा गजब नूर का मारा मर गया उजहूर का परिया कैसा हूर का बाणा पीसा जाना से प्रेम लगाना जमका लगा गजब नूर का मारा मर गया उस हूर का परिया कैसा हूर का बाणा किसा जान से प्रेम जगाना नहीं मिली तै पीना खाना भाइयो कति हराम से कंचनपुर की रहने यार चंद करण जी का नाम से चीज मिलेगी लहने यारी रही लग मेरे पीछे टूटूंगा प्रेम का प्याला हंस घूटूंगा जगाऊंगा चाहे जाग्या भाग बुझाऊंगा चाहे वो जियाग रही लग मेरे पीछे टूटूंगा प्रेम का प्याला हंस घूटूंगा तेरा ना कदरस घूटूंगा माल देखा आम से कंचनपुर की रहने यार चंद किरण जी का नाम से जमले की लहने आली लक्ष्मी चंद मेरे लेगा जिस दिन फिर आराम रहेगा इस दिन जाने किस दिन काम बनेगा प्रेम का कसके तीर तनेगा लक्ष्मी चंद मेरे लेगा जिस दिन फिर आराम रहेगा इस दिन जाने किस दिन काम बनेगा प्रेम का कसके तीर तनेगा कदियो मालिक तेरे सुनेगा काजी आला बाम से कंचनपुर की रहने आली चंद किरण जी का नाम से की जनले की लहने आली पूरे सुनहरी गहने आली कंचनपुर की रहने आली चंद किरण जी का नाम से की जनले की लहने आली पूरे सुनहरी गहने आली ये कंचनपुर की सीमा आ गई। वो बुढ़िया सामने दिखाई दे रही है, उससे चंद्रकण का महल पूछता हूं। ताई, ताई री। हाँ, बाबा जी, तू ताई कब आया? बंदा कितना वाई हो यार प्रास है? कोई बात नहीं, ताई में और माई में क्या फर्क है? हाँ, तब बोल के बात सर। बात कुछ नहीं ताई, मुझे तू चंद्रकण का महल बता दे कि ठीक से। महल? चंद्रकिरण का महल? किसका पाप उनका नाम लेवा से तू? वह तो हत्यारी से हत्यारी, बेराने कितने लोगों तक खाएगी, डाकपन से डाकपन है। पर बाबा जी, मुन्ना न्यू बता,
तो उसका महल क्यों बुद्ध जैसा है वह राजकुमारी अतर बाबा के कारण से मनो सच बता दे। सच बताऊं ताई, मुझे चंद्र किरण से इश्क हो गया है। उसके बैराग में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। पापा जी तने बेरा कौन है के वह बड़ी हव्यास है, तने जेम तेरी ना मरवा देगी। कोई बात नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मरने से नहीं डरता। या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में, मुझे उसका पता बता दे। बाबा जी जान दे, जै तो उसका नहीं लखा भी पड़ेगा ना तो तेरा मुंह पिटवा देगी। जब इशारा कर दिया ना तो तेरी अंगुलियां ना कटवा लेगी। तो क्यों इसी ऊट के चक्कर में पड़ रहा था बाबा? चाहे कुछ भी होता ही, चाहे शीश जाए या धड़ जाए, मैं उसके दीदार करना चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। और ताई ये देख, जिसकी तस्वीर इतनी खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। हाय चंद्रकिरण, तो क्यों अपनी किस्मत फोड़ा था बाबा? वह था मुंह की मिट्टी पेट की जुट्ठी से क्यों उससे मिलना चाहवास है? तो कौन से दुख में बैठना चाहवास है? उससे तो सारी दुनिया ड्रेस है, इसी वीर का के एतवार से तन्ने भी फांसी टुटवा देगी। ताई इतनी बात तुमने मेरे साथ की, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने सच्ची बात आपको बता दी। इस समस्या का समाधान आप ही कर सकती हैं। मेरे मन का फूल खिला दे ताई, चंद्रकिरण का महल बता दे ताई, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत अखिल्ला सा बाबा तू तो, वह किससे तो प्रीत को ना करती, कौन ना जानती प्यार के होश है। तुम तो मन और मैं की गठरी छुआ दे बाबा, मेरा पंडा छोड़ तो ले किता है। मैं चंद्र किरण का महल नहीं बता सकती, अगर बता दिया ना तो वह मन कत्ल करवा देगी। उसके महल की तरफ तो कोई इशारा भी नहीं कर सकता बाबा। तू नहीं बताओ ताई, तू नहीं बताओगे महल? मैं क्या कोई भी ना बताओ तने? ठीक है ताई, मत बता। जो तुमने ये आरनी इकट्ठे किए है ना, इनकी चिता बनाकर अभी जलकर मरूंगा, आग भी तू लगाएगी अपने हाथ से। हाँ क्यों उल्टे काम कर रहा है बाबा, इतनी ज्यादा खीना होती? एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद्रकिरण का महल बताना आग चता मैला दे। दोनों मत एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद्रकिरण का महल बताना आग चता मैला दे। दोनों मैं काम करी और सहारा ना दी ख्या प्रश लिया तेरा सरना से, इसमें उक चूक ना रहनी जो वेगना ने भरना से। मैं छतरी सू हथ का पूरा जी कह के करना से, कहते ठेठू चंद किरण तना जड़कैरी मरना से। होगा धर्म तने ताई एक जीव की जान बचा दे, दोनवा मैं एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद्रकिरण का महल बताना आग चता मैला दे। दोनवा मैं एक काम करे छोली मत न्यारे,
लाड तो लिए मत न्यारे, अपनी मेरी इन बाता का भेद खोलिए मत न्यारे, चुपका चुपका पाछे आ जा गति बोलिए मत न्यारे। एक आरना जड़ के रूड़े चौक में पे जमा दे हो, दोनवा मैं ते एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, संग किरण का महल बताना आगे चता मैला दे, दोनवा मैं ते काम करे। का दूर अंधेरा करके किसा करे प्रकाश तने, मेरे पर एहसान आजियो ताई कर दिया खास तने, एक परदेसी मानस गिरी पूरी कर दी आस तने, मेरे जीवन का ब्योत बना दिया वादा ईशा पास तने, राम कर तू जुग जुग जियो नभा दिए सब काय देरी, दोनवा मैं ते एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद किरण का महल बताना आगे चता मैला दे, दोनवा मैं ते काम करे। आगे चलिए ताई तू करिए कम होशियारी का, सोच समझ के पाधरिए तन तेरा नगरी सारी का, चाल का महल बता दे ने तू चंद्रण रात दुलारी का, जड़े आरना तू गेरे उड़े महल समझ लू प्यारी का, लक्ष्मी चंदना हटे हटाया तू एक बार जगह दिखा दे, दोनवा मैं ते एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद किरण का महल बताना आगे चता मैला दे, दोनवा मैं ते एक काम करे पिछला दर्द भुला दे, चंद किरण का महल बताना आगे चता मैला दे, दोनवा मैं ते काम करे। वाह ताई वाह, मान गए, अब तो मैं चंद्रकण को देखूंगा, उसे बाहर निकालना मेरा काम है, अभी यहीं पर धुना लगाता हूं, चिमटा गाड़ कर प्लाथी मार कर यहां बैठूंगा, देखूंगा कब तक दीदार नहीं होगा, चंद्रकण का दीदार भी होगा और बातें भी, वो आएगी और जरूर आएगी। बांदी, अरे ओ बांदी, कहाँ मर गई सब की सब? जी राजकुमारी जी। देख ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लग रही? ईब देख के आई, धुम्मे का तो ठड्डा कमरा भर गया, बहुत घना धुम्मा से। यही बातें फोड़ती रहेगी या जाकर देखेगी भी? मैं तो परेशान हो रही हूँ और तू है कि पता ही नहीं लगा रही कि धुआं कहाँ से आ रहा है। अभी देखती हूँ।
ये बांदी भी बिल्कुल काम चोर हो गई है, काम को तो हाथ ही नहीं लगाती, सारा वक्त सारा दिन बातें फोड़ती रहती है। ओहो ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। ओहो ये तो बाबा धुना ला रहा से, इसका धुमा आवे से, ईब जाके बताऊं राजकुमारी ने। राजकुमारी जी हाँ। कितने आग नहीं लग रही, बाहर एक बाबा धुना ला रहा से, जमीर ठा रहा से कति। अच्छा उस बाबा को यही ठिकाना मिला, मैं खुली हवा में रहने के लिए अलग महल में रहती हूँ, मगर इस बाबा ने तो यहाँ का वातावरण ही खराब कर दिया। जाओ बांदी उसे कहो कि यहाँ से धुना उठा ले, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, अपना धुना कहीं और लगा लेगा, उसे कहो जाकर। अभी जाती हूँ राजकुमारी जी। बाबा जी, ओ बाबा जी, ओ बाबा जी। कौन है तुम जो मेरी तपस्या में भंग डाल रही है? मैं राजकुमारी चंद्रकिरण की बांदी सू। फिर मैं क्या करूं, मैं भक्ति पर बैठा हूं, बीच में बैगन मत डालो। ओम नमः शिवाय। बाबा जी फिर बीच में बोली। आपके धुणे का धुमा महल में जावे से, यो धुणा आ रहे थे ठाले बाबा जी, और कितने लाले इसने। धुणा नहीं उठा करता, ये धुना यहीं रहेगा और मेरा शेर मत खा। मतलब पालिया बांदी, मन में तेरा के ठालिया बांदी, इसी करड़ी धोस दिखावे से बाबा अपनी धुड़े ने तू ठाले, बाबा अपनी धुड़े ने तू ठाले।
तू करे ते आई तेरे कैसी ना ऊत लुगाई तेरे कैसी ना ऊत लुगाई मन ने जितनी पकड़ी नरमाई तू दूनी सर चढ़ती आवे से बाबा अपनी धूनी ने तू ठाली बाबा अपनी धूनी ने तू ठाली लक्ष्मी चंद इसे चंद शाल दे इसका सारा पता हाल दे इसका सारा पता हाल दे जा उस चंद किरण ने घाल दे जो मन ने ताहना चाहवे से बाबा अपनी धूनी ने तू ठाली बाबा अपनी धूनी ने तू ठाली समझ गई यो कोई बाबा नहीं आशिक से जो चंद किरण ते मिलना चाहवे से बाबा जी यो मैल जिनाना से आड़े मर्द का कोई काम नहीं तू आड़े ते सरक जा क्यों फंदे में जान फसावे से जय चंद किरण ने बेरा पाट गया तो तेरी मौत निश्चित से बाबा नहीं जाया करता बंदी चिमटा गाड़ दिया तो गाड़ दिया बाबा ढूंढा ठाले नाता चंद्र किरण ने जाके बताऊं सु जा बता दे उस चंद्र किरण को कह देना धूना यहाँ से नहीं उठेगा चाहे कितना जोर लगा ली मैं एक सादा भोला बाबा हूँ कोई शोर शराबा नहीं कर रहा आराम से अपने धूने पर बैठा हूँ मुझे देवी के दर्शन होने वाले हैं मेरी तपस्या भंग मत कर बांदी नहीं माने नहीं मानू एक जासू कराऊंगी तेरे देवी दर्शन दर्शन दे देवी दर्शन दे हे देवी दर्शन दे जल्दी दे अच्छा ये सब कहा बाबा ने हाँ राजकुमारी जी कहता है मुझे देवी के दर्शन होने वाले हैं मेरी तपस्या में भंग मत डालो ऐसा कर बांदी तू एक बार फिर जा प्यार से तो वो नहीं माना अब की बारी उसे अच्छी तरह धमका करा जब वो मानेगा ठीक से मैं देखूंगी क्यों करना जाएगा जरा सुनो तो क्या कहता है बाबा बांदी को बाबा जी ओ बाबा जी तू आड़े ते धूने ठाले धुम्मा सारा कमरे में जावे से क्यों मरण की कार कर रहे से राजा नारायण सिंह की बेटी चंद्र किरण धुम्मे ते बहुत परेशान हो रही से जे उसने बेरा पाट गया ते एक मिनट में तेरा धुम्मा सा उड़ जाएगा सोच ले समझ ले चला जा आड़े ते तू राजकुमारी है या बांदी बांदी होकर इतनी जोर जोर से मुझे धमका रही है क्या हक है तुझे बात कर तमीज से कर बात प्यार से करनी चाहिए हवा रोकनी किसी के बस में है क्या और धुमे का स्वभाव तो हवा के साथ जाने का होता है बता इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैंने बेरा से तू साधु नहीं स्वादु से आशिक आवारा लफंगा बदमाश से तू तेरी गाड़ी में हीणा बनकर सहन कर रहा हूँ बंदी बता तुझे मैं कहां से बदमाश लग रहा हूँ खाम खामोश पर तोमंद लगाए जा रही है तू
बाबा जी चंद्र ग्रहण इसी नास है जो तेरे फंदे में फंस जाएगी। तेरे किसे बहुत आंडे से वह सारी जाने से सब समझे से। जिसका तूने नाम लिया है उसे मेरे सामने ला। बदनामी करनी है तो मेरे सामने करी, जाकर कह दे चाहे जान चली जाए धूना नहीं उठाऊंगा। बाबा मैं राजकुमारी की बांदी सू, सारा शहर मेरा हुकुम मानस है। तेरे के औकात तू मेरे स्यामी जवान चलावे। बांदी, ओ बांदी। हाँ राजकुमारी जी। आजा, बाबा से ज्यादा झगड़ा मत कर। आई राजकुमारी जी। तिली जाखी के माँ गोड़ा मारू बाट गोपिया सन का एक निशाना चूपण जूना पिछड़िया बालक पणे का जाखी के माँ गोड़ा मारू बाट गोपिया सन का एक निशाना चूकण जूना छड़िया बालक बने का लंबे लंबे के सपरी के जाऊ छारी गटप तेरे अपन पूंजे ऊपर छोटी कल जाऊ लटका ना जा मंडेरे पे बहुत देर में नजर गई तेरे चंद्रमा से चेरे अपन भूल गया मैं बाता नहीं सान करूंगा तेरे पे पिंजरे के मां रुक रहा से जाऊं पिंजरे के मां रुक रहा से जाऊं शेर बबरियो बनका एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पणे का जाखी के मां गोला मारूं बाट गोथिया सन का एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पणे का लगाई को तेरे कैसी शान शकल की गई दिखाई को कोरा पर तेरा दिख रहा तू इब तक ब्याही को देखी न मन तेरे कैसी गात समाई को हाड़ी बनियो खेत समरे ना हाड़ी बनियो खेत समरे ना बड़ा सयो रण का एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पणे का झाँखी के माँ गोड़ा मारू बाट गोपिया सन का एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पणे का हो जाएगी मेरी
मेरा गाम से शेर सा जाती, मेरा गाम से शेर सा जाती, मैं चेला मान शंग बामन का, एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पड़ेगा, झाकी के माँ गोला मारू बाट गोपिया सन का, एक निशाना चूकण दूना छड़िया बालक पड़ेगा। राजकुमारी जी क्या हुआ, आप गिर कैसे गई? अरे आपको तो बहुत पसीना भी आ रहा है, क्या बात है, इस बाबा को देख के आपको चक्कर कैसे आ गए एकदम? राजकुमारी जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बांदी
इस बाबा को धूना उठाने के लिए मत कहना, ये साधु महात्मा है, श्राप भी दे देते हैं, इनकी वाणी सच्ची होती है। ये तो गई काम से। क्या कह रही हो बांदी? चिनी राजकुमारी जी, इस बाबा को बैठा रहने दे, सुन बांदी मेरी बात, ये बाणा है भगवान का और मानव जैसा गात। साधु रूप भगवान का हो वैसा राजकुमारी जी, आपके सारे संकट कट जाएंगे। किसी बाबा संत को सताना नहीं चाहिए, बेकार में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब इस बाबा जी को कुछ भी नहीं कहना। मैं सब समझ गई राजकुमारी जी, आपका बाबा जी पे दिल आ गया सर। बांदी, ये प्रेम की बातें किसी को मत बताना। सच में बाबा जी को देखकर मेरे दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं। ठीक से, मैं आप दोनों के प्रेम के बीच में क्यों भांजी मारूं? आप दोनों के बीच की बात से मैं क्यों गुंडी बनूं? बांदी, जा बाबा जी को यहाँ ले आ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देख लो राजकुमारी जी, सब बात न समझा करती, आज सारी रीत भूलन लाग रही सो आप। इस बाबा जी ने देख के आपके क्यों बहम हो गया? बाबा जी के बारे में कुछ मत बोल बांदी, मेरे कलेजे में खटक लगती है, मैं बाबा जी से बात करना चाहती हूँ। ठीक सर राजकुमारी जी, बाबा ने आड़े ते झोली दे लियो, प्यार करने तो एक के इशारे पे कुत्ता आवेगा। बाबा जी, आप सचमुच मेरे लिए यहाँ आए हैं? हाँ। आपको डर नहीं लगा? नहीं। मेरा आपसे बात करने को दिल करता है। मैं कमर नीचे लटका दूंगी, आप ऊपर आ जाना, फिर बातें करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आओ बाबा जी, आपके इंतजार में मैं पलके बिछाए बैठी थी। हाँ, मुझसे आने में देर हो गई। बैठो, दूध पी लो। ठीक है। है? वो आदमी गया तो गया कड़े, जे कोई नुकसान हो गया तो अपनी तो नौकरी साफ भाई और जेल में पा पीटेंगे। अरे अरे, यो देख, यो कमर लटका रहे, जरूर ऊपर चढ़ा होगा। हाँ, अपा आड़े जम जावा। हाँ, जब नीचे उतरेगा जिब्बा गफ लेंगे। ठीक कैसे पिपली साहब, आड़े लुक के बैठ जावा। हाँ, ये बैठे तू न्यून ध्यान रखिए और मैं न्यून। तुमने मेरा थप्पड़ क्यों मारा? पहले तुमने मेरे मारा। कौन का वैसे? मन्ने खुड़का सुने? ये मन्ने तेरा मारा है कौन? या लग गया मेरे। यो तो धोखा हो गया भाई। हैं? धोखा हो गया। क्यों कर भाई? मन्ने खुड़का सुने था भाई, मन्ने सोची तुमने मेरा मारा, इस मारे मन्ने तेरा मार दिया। ओहो, अरे सुन सुन। हाँ, ये आवाज तो ऊपर ताई से भाई। ओ हाँ रे, ऊपर वो भूल गए थे, रापा था हूँ, सो गए थे,
डाल उतर के चला जाए तेरे, वो तो पकड़ना से ना अपन जो काम से अपना। चल चल ऊपर चल फटाफट। नहीं दुबक के बैठ जा, आना तो आड़े कैसे है। ना ना तू चल ऊपर चल के पकड़ांगे उन्हें। नहीं भाई गिलगली साहब, यो जनाना महल से हम बाहर गश्त कर सका सा, भीतर नहीं जा सकते। ठीक है, वो आओ तो आड़े कहेगा, जी आड़े का वो पकड़ लेंगे, आड़े पैरा देवा इतने। ठीक से अच्छा राजकुमारी जी, सुबह हो गई है, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। पिलपिली साहब देखिए उतरने लाग रहा है, चल पकड़ा गया इसने। ए ए कित जागा तेरी बाबत तो सारी रात पैरा दिया हड़े, इस तरह पकड़ के सीधे राजा नारायण सिंह के सामने पेश करांगे। जय मोटी रकम देवे तो हम छोड़ भी सका सा। अरे मेरे पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, चल राजा तो रहे। अच्छा बाजे भी से, चल राजा के पास। महाराज की जय हो। कहो सिपाही, तुम्हारे साथ ये कौन है? महाराज यह साधु के भेष में बदमाश है। क्या क्या बदमाशी की है इसने? महाराज रात को हम गश्त पर थे, यह बदमाश राजकुमारी चंद्रकिरण के महल में घुसा था, वहां से हमने इसे गिरफ्तार किया है। इसकी ये मजाल जो राजकुमारी के महल में घुसे, जाओ इसे ले जाकर कारागार में डाल दो। चल भाई। अरे पिलपिली साहब, इस तबूज तले कि मैं ले भी रहा है कतिये नंगड़ है। हाँ भाई, कि मैं ले रहा था तू? ना भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। देख ले, मारे धोरे दो तरिया की कारागार से, कि मैं दे देगा तो ठीक जगह बंद कर देंगे, नहीं तो तने काल कोठड़ियों बंद करांगे, उड़े मच्छर मारे जाइए पड़िया पड़िया। भाई मेरे पास तो एक चिमटा और करमंडल था, वो भी धुने पर रखा है। अरे तू वो दे दे हमने, बता धुना किससे, उड़े तो ठा लेंगे। चंद्रकरण के महल के पास धुना लगा मिलेगा, वहीं मिलेंगी दोनों चीज, और आप जाकर ले लो, मुझे काल कोठड़ी में मत डालना। ठीक से भाई पिलपिली साहब, इसने कर दे भीतर, अरे चाल चिमटा तू ले लिया, कमंडल में ले लूंगा। अरे चाल उड़े कि मैं पाओगा जिब्बे ना, जिब्बे तो कि मैं बांटांगे, जब कोई ठा ले गया होगा तो बाजले चाल कदे उन्हें भी कोई ले जा, इन ते भी जाते रहा। चाल मेरा सपना झूठा नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरे पति मुसीबत में फंस चुके हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। अभी तो वो जेल में हैं, अगर समय पर नहीं बचा पाई तो उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा, मुझे उनको बचाना चाहिए, बचाना होगा मुझे उनको। आ रहा सफेले सफुली। हाँ जी। क्या कर रहे भाई? बीन बजा करूं जी। बीन बजा रहे? हाँ जी। तो नौकर भाई यू सा अपना चंडाल चोथरा, ठीक गांव में सांग हो, ड्रामा हो, भजन हो, बंदर बंदर यारा हो, इस चोथरा का काम चालू आगरे, बीन बजने दे भाई। अजी आपका नाम क्या है? अरे नाम का क्या नाम, तो घर क्या जमा छोटा दरिया था, फिर भी खुशक बरोडिया लंबरदार सुखचैन गुरलाल उर्फ पप्पू। वाह जी वाह, नाम क्या बड़ी रेल की रेल ले रहा है। रेल रेल देखी जाए, बंदर थोड़ा देखा धुमा छोड़ता। ओहो एक बात सुनो जी। हाँ। अगर आपकी इतनी धके है। अरे खूब भी मेरे में खूबी आ गया, तने बेरा को ना गांव में पंचायत हो जा साध ने। अच्छा पंचायती तो उठका जाओ अपने घर। ठीक अर्धी वारा जाओ चसदा, उस दीवा ने जाऊ घर ठा गए तवी बनाऊ और तेल लगाऊ जूतिया गए और गांव में को कुआ खुद रहा उधर मा देगा, नेजू बाल्टी धरियो
अच्छा बाल्टी न ल्याऊ ठागा करा उसमें गालू तमाखू और भाई नेजू की बनाऊ पायत खुबिया का घाटा है कोने। अच्छा एक बात बता तू बालक तो जा रही से खेत क्यार में रोटी ले रहा है भाई? ओहो ले तो रहा आसू जी हाँ? पर ये बिना चोपड़ी से। अरे तू सुखिया ने सुखिया ने भी गढ़ देंगे। अच्छा तू नो बता के कर रहा था बीन? हाँ कित बजाना चाह रहा तू? मेरी बात सुन हाँ? जय इतनी खूबिया का भरा पड़ा है हाँ? तो मैं तो आप जब जानू या मेरी बीन उस राजा के दरबार में बजवा दे। बस रही छोटी सी बात राजा मारा बनाया हुआ से भाई तेरी बीन बजवा जाएगा राजा का पर एक शर्त पर भाई। बोल भाई जा राजा गैत्री आएगी बीन समझ में ठीक और जा राजा ने दे दिए 1000 रुपये ठीक तो 500 तेरे 500 मेरे 50-50 हिसाब होगा। तो मेरे भी सुन लो जी। हाँ सुना भाई। जा राजा ने दे दिए 1000 रुपये अच्छा तो 500 आपके 500 मेरे ठीक और राजा ने दे दिए 500 तो 250 आपके 250 मेरे 250 मेरे। फिर अगली बात सुन हाँ? जब राजा के बीन पसंद नहीं आई नहीं आई तब 10 खोसड़े मिलने लागे मन उड़े हाँ? ते फिर की करेगा भाई वह तू ले लिए मैं इतना बेईमान नहीं हूँ। वाह जी वाह आपकी ईमानदारी भी खूब है। चल तने राजा दोरो ले चाल, चाल मन तो उड़े ले चाल उड़े देखी चाल भाई। मंत्री हाँ महाराज जाओ उस बाबा को फांसी पर लटकाने का इंतजाम करो। ठीक है महाराज जो हुक्म। ओहो कितनी मधुर बीन बजा रहा है ये बीन वाला। संतरी जी महाराज जाओ जो ये बीन बजा रहा है इसे दरबार में लेके आओ। जैसा हुक्म महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे बहुत मधुर बीन बजाते हो तुम हमें भी एक प्यारी सी धुन सुनाओ। ऐसे बीन बजाने में महाराज मजा नहीं आएगा। आप अपने दरबार के सभी मुलाजमों नौकरशाह कैदी हवालातियों को बुलाओ सभा में जो मजा आएगा वो ऐसे नहीं आएगा। मेरे राज्य में जो भी काम करते हैं मुलाजिम या नौकर वो अपना लापरवाही से नहीं करते। रही कैदियों और हवालातियों की बात असल में तो मेरे राज्य में कोई बदमाशी या गुंडागर्दी होती नहीं। अगर कोई करता भी है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। केवल एक मुजरिम है जिसे आज फांसी होने वाली है उसे मैं अभी बुला देता हूँ। बुला लो महाराज सभा में अधिक लोग होंगे तो आनंद और अधिक आएगा। मंत्री जाओ उस बाबा को लेकर आओ। अरे सफेरे जी महाराज तुम बीन बजाते रहो। जैसा हुक्म महाराज। बहुत खूब वाह वाह वाह। किसी बजाई बीन सपले रे मन मोलिया मेरा रे किसी बजाई बीन सपले रे मन मोलिया जाई
सुनाई छंद लावनी भजन छुपाई प्रेम में भर के तने सुनाई दिल में गजल कवाली गाई दिल में गजल कवाली गाई तन गावन का बेरा रे किसी बजाई दिल सब तले तुमने तो कमाल कर दिया सफेले सब वाह वाह कर उठे मांगो जो इनाम मांगना है जो मांगोगे वही मिलेगा आज मैं बहुत खुश हूँ ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा अब चूकना नहीं चाहिए महाराज हाँ हाँ इनाम देने की खातिर करड़ी छत्ती कर ले जी चाह है सो मांगूंगा पहले हम तीन वचन भर ले वह चीज तने देनी होगी जुनसी की हाँ भर ले मने एक बात तय डर लागे कदे तू बचना थे फिर ले जिसके लागे चोट जगर में खुद अपनी ने खेले जुनसी चीज चन्ना तन्ने बेसक दरबारा में ले ले मुंह मांगया इनाम में लगा तीन वचन मने भरे सपेले यह सपेला आपसे जो इनाम चाहता है वो सुनो महाराज इस बाबा जी के साथ बैठा दो चंद किरण ने डोड़े मैं चंद किरण ने डोड़े मैं से बाबा जी के साथ बैठा दो चंद किरण ने डोड़े मैं चंद किरण
अपना पूरा वचन निभा ले, ध्यान तू मेरी बात पला ले, अपना पूरा वचन निभा ले, ध्यान तू मेरी बात पला ले, जी भर के तू खा ले सजोड़े में, इसे बाबा जी के साथ ही बैठा दो, चंद किरण ने डोले में, चंद किरण ने डोले बचना ते हट गया ते खोई जाएगी जात, चंद किरण जे दे दी मन्ने ते फिर भी बिगड़े बात, तीन बचन मन भर राखे से, तीन बचन मन भर राखे से, नहीं करूं इनकार, नहीं करूं इनकार, इस बाबा जी के साथ में, बाबा जी के साथ में करूं चंद करण नकार, चंद करण नकार, और राजा नहीं बचन चूकेगा, बाल मेरी छाती फूकेगा, जन्म कर्म में के थूकेगा, जन्म कर्म में के थूकेगा, मेरा कुटुंब परिवार
इश बाबा जी के साथ मैं करूं चंद करण ने प्यार चंद करण ने प्यार मदन सेन राजा बाबा जी मदन सेन राजा बाबा जी मैं सू इसकी नार मैं सू इसकी नार बताई गई ते और ससा काश बुराई गई ते राजा के संग दाई गई ते राजा के संग दाई गई ते नहीं कोई तकरार नहीं कोई तकरार इस बाबा जी के साथ मैं करूं चंद करण ने प्यार चंद करण ने प्यार चंद किरण ने भेजता वड़ा मत ना करिए वार मत ना करिए वार आज मैं बहुत खुश हूं चंद किरण मैंने पहली बार तुम्हारी तस्वीर देखी तभी मैं आप पर मोहित हो गया था तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कष्ट सही न भूख का आभास होता न प्यास का एक ही धुन थी चंद्रकर्ण मिल जाए सो आज मुझे तुम मिल गई मुझे नहीं मालूम था महाराज कि आपकी एक और रानी है वरना मैं आपसे शादी कभी नहीं करती अरे वो तो हीरा है हीरा भले ही वो मेरी ब्याता है मगर तुम्हारी खूब टहल बजाएगी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी तुम्हें नहीं महाराज नहीं एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती ये क्या कह रही हो चंद्रकर्ण मेरा तेरा मेल बना जब मानेगा मेरी बात पिया इस रानी का शीश काट दे जब बोलूं तेरे साथ पिया इतना अनर्थ करावे क्यों अकल बिगड़गी तेरी नाग दे दुख पाई जब तू ब्याही और कैद छुड़ाई मेरी सोक दूसरी घर में खोटी से देगी दिन रात पिया कया करेगी तने ब्याह कर ल्याई रोज हलाओगी हाथ पिया जय मैं लाड़ काट लू इसकी हो धर्म की डूबा ढेरी तेरे मेरे बारे में या बहुत गुने दो खेरी ताने सुन सुन रहना होगा रोज जले जा गात पिया उल्टी घर ने चाली जांगी के बिगड़ेगी मेरी जात पिया या खुद मेरे फेरिया की ब्याही रहे चरण की चेरी मेरे पे मत करवा रानी दिन की रात अंधेरी देख लो महाराज मैं एक बार फिर कहती हूँ इसका सिर काट दो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है वरना मैं अपने पीहर चली जाऊंगी चंद्रकर्ण जिद मत करो दोनों रानियां मजे से रहना मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा तुम मेरा विश्वास करो
बंद संग दो बीरा की मुश्किल यारी लागे दोनुआ में ते एक राख ली जुनसी प्यारी लागे एक मर्द संग दो बीरा की मुश्किल यारी लागे दोनुआ में ते एक राख ली जुनसी प्यारी लागे चाने की बातें बनी से हम दो ठहरिया एक जनी से के चाने की बातें बनी से हम दो ठहरिया एक जनी से भूल की मीठी बहुत घनी से क्यों तन खारी लागे दोनुआ में ते एक राख ली जुनसी प्यारी लागे माटी कर देगी जो तन बिचारी लागे दोनुआ में ते एक राख ली जुनसी प्यारी लागे मत कर की से बातें कदर का यो केला से मीठे दर का मत कर की से बातें कदर का यो केला से मीठे दर का तीख सपेड़ा बड़का मन केसर क्यारी लागे दोनुआ में एक राख ली जुनसी प्यारी लागे टू ते तू ना ठहरे जे मैं ना टूटे मुश्किल होई झाल टू ते तू ना ठहरे जे मैं ना टूटे आज ब्याही का शर का तू ते यकार जगत में न्याई लगे एक राख ली जुनसी प्यारी लागे एक मर्द संग दो बीरा की मुश्किल यारी लागे दोनुआ में ते एक राख ली जुनसी प्यारी लागे
एक मर्द सर दो हीरा की मुश्किल यारी लागे। हम दुनिया में ते एक राखली झुनसी प्यारी लागे। लक्ष्मी चंदी कर मैं से खोटा जय खातू शीश कर मत मोटा। लक्ष्मी चंदी कर मैं से खोटा जय खातू शीश कर मत मोटा। तेरे बारे में तो खुलोटा किस ढाल कटारी लागे। दुनिया में ते एक राखली झुनसी प्यारी लागे। एक मर्द संग दो बीरा की मुश्किल यारी लागे। दुनिया में ते एक राखली झुनसी प्यारी लागे। मैं समझ गई महाराज, आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो आप मेरी बात नहीं मानते। आप उसी से प्यार करते हो, मुझसे तो ढोंग करके यहाँ लाए हो। क्या बहकी बातें कर रही हो रानी? ये बातें तुम्हारे सुंदर मुख से शोभा नहीं देती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरा कहना क्यों नहीं मानते? अगर आपकी समझ में नहीं आता तो ठीक है, जो तुम कहती हो वो मैं करूँगा। ठीक है, ये लो तलवार, सोई पड़ी है नाक दे, करो गर्दन पर वार। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो लाओ मुझे तलवार दो। ये क्या, पीछे से किसने मेरा हाथ पकड़ लिया है? बस करो महाराज, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे दिलो जान से चाहते हैं। मेरा शक दूर हो गया, हम दोनों बहनें एक साथ रहेंगी। आप मेरी बड़ी बहन हैं और मैं आपकी छोटी बहन। मुझे अपनी सौतन कभी मत समझना बहन। ऐसी बातें करती हो बहन, ऐसी बात होती तो मैं लेती क्यों तुम्हें ब्याह की? मैं कितना खुशनसीब हूँ, दोनों रानी एक से बढ़कर एक हैं।